नमस्कार, मैं हूं विजया और आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। अमिताभ बच्चन ने अपनी वसीयत को लेकर किया बड़ा खुलासा। कहा, सिर्फ अभिषेक को नहीं मिलेगी पूरी प्रॉपर्टी। क्या है अमिताभ बच्चन की ये बड़ी खबर, आइए आपको बताते हैं। वेल, अमिताभ बच्चन ने हाल ही में इंटरव्यू के दौरान कहा कि प्रॉपर्टी दोनों बच्चों यानी कि अभिषेक बच्चन और श्वेता बच्चन नंदा में बराबर बांटी जाएगी। अमिताभ अपनी बेटी श्वेता नंदा से बेहद प्यार करते हैं और अक्सर उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए अपना प्यार भी जाहिर करते हैं। अमिताभ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान अमिताभ बच्चन ने कहा, अभिषेक के पास उनकी संपत्ति का पूरा अधिकार नहीं होगा। timesofindia.com की रिपोर्ट की माने तो जब अमिताभ से उनकी वसीयत के बारे में पूछा गया तो इस पर अमिताभ ने कहा कि उनकी प्रॉपर्टी दोनों बच्चों के बीच बराबर रूप से बटेगी। इस साल की शुरुआत में अमिताभ ने श्वेता के डेब्यू उपन्यास पैराडाइज टावर्स को लेकर एक दिल छूने वाली पोस्ट लिखी थी। श्वेता का ये उपन्यास बेस्ट सेलर रहा था। श्वेता बच्चन नंदा की इस उपलब्धि की सराहना करते हुए बिग बी ने सोशल मीडिया पर लिखा, एक बेटी की उपलब्धि से ज्यादा एक पिता के लिए कोई गर्व की बात नहीं होती। बेटियां खास होती हैं, छोटे घूंघट से लेकर बेस्ट सेलर तक। इस नन्हे से घूंघट ने न जाने कितने घाट पार कर दिए। इस पोस्ट के साथ अमिताभ ने श्वेता बच्चन की एक फोटो भी साझा की थी जिस पर वो सिर पर एक लाल रंग का घूंघट डाले नजर आ रही थी। तो वहीं पर अमिताभ बच्चन से जुड़ी एक और इंटरेस्टिंग खबर आपको बताते हैं। छोटे पर्दे के सबसे चर्चित रियलिटी क्विज शो कौन बनेगा करोड़पति का हालिया एपिसोड काफी दिलचस्प रहा। अमिताभ बच्चन का क्विज शो कौन बनेगा करोड़पति 11 एक बार फिर से दर्शकों का फेवरेट शो बन चुका है। जबलपुर से नितिन कुमार पटवा हॉट सीट पर बैठे और उन्होंने बड़ी ही कुशलता के साथ अमिताभ बच्चन के सवालों के जवाब दिए। अमिताभ नितिन से पूछते हैं कि उन्हें कितनी पॉकेट मनी मिलती है। नितिन बताते हैं उन्हें किसी चीज का ज्यादा शौक नहीं है, लेकिन हर दिन उनके पिता 50 रुपए देते हैं, उनमें से भी वो कुछ पैसे बचा लेते हैं। तो इस सवाल के साथ ही अमिताभ अपनी भी पॉकेट मनी बताने लगते हैं। अमिताभ बच्चन नितिन से कहते हैं, आप बड़े किस्मत वाले हैं। हम लोगों को तो अपनी उम्र में पॉकेट मनी के रूप में 2 रुपए महीने मिलता था। उस वक्त मैं नैनीताल के बोर्डिंग स्कूल में पढ़ता था। नैनीताल क्योंकि पहाड़ी इलाका है तो वहाँ पर हमारे लिए रोक टोक बहुत थी। हम लोग अक्सर परेशान रहते थे। हॉस्टल से थोड़ी दूर पर एक छोटी सी दुकान थी, वहाँ पकौड़े बहुत अच्छे मिलते थे। हम लोग अपनी पॉकेट मनी से चोरी छुप के पकौड़े खाने जाया करते थे। वर्क फ्रेंड की बात करें तो अमिताभ बच्चन नजर आएंगे सेरा नरसिम्हा रेड्डी में। इसके अलावा गुलाबों सितारों में वो एकदम डिफरेंट अंदाज में नजर आने वाले हैं। तो वहीं मोस्ट अवेटेड फिल्म ब्रह्मास्त्र भी रिलीज होने वाली है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही।